क्या बात है यार, बहुत मजा आ रहा है। कनाडास के जंगलों से आया हुआ वो प्राचीन का मकान, वो देखो सामने, ऐसा लग रहा है कोई चाइना से, जैसे वो होते नहीं चाइना में ऐसे वो शूशाएं वाली जो फिल्में बनाते हैं उसमें ऐसे घर बने होते हैं। समथिंग मामा, जो हमारी माए होती है ना, वो दो दिन ले लेकिन छह छह सूट रखे। बिल्ली लग रही है, बिल्ली लग रही है, वो क्यूट सी बिल्ली लग रही है। लग रहा हूं सॉरी यार, यार क्या बताऊँ कसम से, पाँच छः दिन से ऐसे ऐसे यार मैं मुश्किल काम आए हुए थे कि बस व्लॉग नहीं बना सक रहा था। मुझे इतनी कमेंट्स में गालियाँ पड़ी हैं कि व्लॉग क्यों नहीं आ रहे, और साथ में इंस्टाग्राम पे अलग से मैसेजेस आ रहे हैं कि व्लॉग क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे। तो यार सच बताऊँ तो बात यह है कि पिछले पाँच दिनों में कुछ ऐसे कामों में फंसा था जो उनसे दिखा सकता नहीं था। नॉर्मल से काम तो अगर आप लोगों को दिखाता तो आप लोगों ने कहना था कि यार क्या ये बोर सा बंदा है, क्या क्या दिखाई जा रहा है। अच्छा सारी बातें छोड़ो, बात यह है कि अभी हम लोग सारे जा रहे हैं चित्राल, मैं, मामा पापा, एम जे और सुल्तान भाई, फराज भाई और फातिमा जी, हम लोग सारे जा रहे हैं चित्राल। और चित्राल में कुछ काम भी हैं और घूमना फिरना भी है, वहाँ पर जाके सुल्तान भाई के ब्लॉग पर आप लोगों को सारी स्टोरी पता लगेगी। बाकी तैयारी शहरी का ये सीन है कि तैयारी हम लोगों ने सारी कर ली है, और तैयारी माशाल्लाह ऐसी है कि जैसे कसम से एक महीने के लिए दुबई में जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जाके आप लोगों को भी तैयारी दिखाता हूँ कि हमारी तैयारी क्या हुई है। और बाकी यार ब्लॉग कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो। मैं फिर दोबारा बार बार कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि चार पाँच लोग ऐसे हैं जो उनसे चित्राल के अंदर ही आएंगे, मिनी ब्लॉग भी आएंगे और दूसरी लॉन्ग वीडियोज भी आएंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली जितनी वीडियोज हैं आप लोगों को नजर आती रहे। कैसा लग रहा जाके? पहली दफा बेचारे लोग जा रहे हैं ना, देखो इनका ये दो बैग, ये सुल्तान भाई ने, ये सिर्फ दो दिन के लिए हम चित्राल जा रहे हैं। और ये पीछे देखो, ये देखो कैसी, एक सेकंड ये देखो कैसी, देखो अल्लाह माफ कर, दुबई जा रहे हैं जैसे। अच्छा वो वाले बैग अलग हो गए जो सुल्तान भाई के हाथ में और बाकी सबके हाथ में है। और ये देखिए माशाल्लाह, ये एक दो तीन चार, बाकी सारे यहाँ भी बैग भरे हुए हैं, पता नहीं उम्रे पे जा रहे हैं शायद। यार कसम से ये देखो क्या क्या लेके आना पड़ रहा है, वो देखो एक ये टची होगी और ये देखो हम शायद जा रहे हैं दुबई। ये देखो ये दो गाड़ियां यहाँ पे आ गई हैं और अब इन गाड़ियों में जाना है। जा हम तकरीबन छः सात लोग रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं हम लोग, कितने लोग हैं टोटल? सात लोग जा रहे हैं तकरीबन, और अभी बैग है। हाँ बैग चौदह, सात बंदे हैं और चौदह बैग है तकरीबन हमारे। यार ये बड़ा जरूरी है भाईजान, ये आपने संभाल के रखना है, ये आप संभाले यार, ये बड़ा जरूरी है यार, ये यार इसको आगे रखो ना, जो चीज जरूरी है वो किसी को नहीं, जो बाकी दूसरी, चलो ठीक है ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। और यही पाकिस्तान थिंग मामा, जो हमारी माए होती है ना, वो दो दिन ले लेकिन छह छह सूट रखे। बिल्ली लग रही है, क्यूट सी बिल्ली लग रही हूँ। पापा आ रहे हैं, पापा फुल आज जेंगो मैंगो लग रहे हैं, पूरे हीरो लग रहे हैं वो 1998 वाले। इतना ज्यादा सामान एडजस्ट नहीं हो रहा तो पापा गुस्सा कर रहे हैं कि यार तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग काम नहीं कर रहे। पापा गुस्सा कर रहे हैं, मेरे पास ही ऐसा कुछ, मेरे पास ही अभी के लिए चाहिए भाई, अभी दे देता हूँ, क्या हो गया। हाँ पाओ में मेरे आ जाएगा यार, आजेगा आजेगा आजेगा, मैं साइड हूँ तुम्हारा, आप बैठ जाओ, बैठ जाओ, मैं आप बैठ जाओ, आप फिक्स हो जाओ बस। अच्छा जी हुआ ये था कि हमने दो इंटरेक्ट करवाई थी, एक अलग गाड़ी थी और दूसरी वाली अलग थी, तो मैं पहले किसी और गाड़ी में बैठ कर मेरा ये वाला फोन उस गाड़ी में रह गया, फिर मैं दूसरी वाली गाड़ी में आ गया, तो ऐसे ना बस हो गया, ऐसे ना घूम भैया हो गया। तो अभी फिलहाल हम लोग बस में बैठ गए, आगे हमारा सफर है तकरीबन पूरे 10 घंटे का हमारा सफर है आगे। हाँ जी बड़े खुश खुश नजर आ रहे हो भाई, खुश तो आप नजर आ रहे हो, बस अब थोड़ा अभी इसको मजनू पर निकल जाना था यार, सफर बहुत लंबा है आपको पता है। हाँ जी और अपना मजनू पर ना खत्म कर दो। अच्छा मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, इनको बताओ भागे जा रहे हो, भागे जा रही, यकीन करो जब से इसके रिश्ते का हुआ नहीं तो ऐसे सुनमुन बुकमुन उमुन हो गए हैं कि आज इनको रस्ते में ना मुझे लग रहा था अभी गाली से शुरुआत होनी है, रेंट चपेट भी होना। कसम से मैं काम करूँ मेरे सामने ही हो रहा, मुझे पता नहीं लग रहा कि करना क्या क्या नहीं करना है। अभी फिलहाल आ गए बस बैठ गए, और तकरीबन 15 मिनट तक हमारी बस इंशाल्लाह चल पड़ेगी। सात बजे बस चलनी थी लेकिन 7:10 हो गए हैं, अभी तक बस नहीं चली, फिर पीछे की सीटें खाली हैं और भी ऐसे ऐसे बंदे आ रहे हैं, जब तक बस फुल नहीं होगी तब तक ये चली। जी 7:16 हमारी बस निकल गई है, चलना शुरू हो गया देखिए ये, और अब तकरीबन सुबह 4 से 5 बजे वहाँ पे जाके पहुँचेगी, और पहुँचेगी धीर, चित्राल नहीं पहुँचेगी धीर, फिर धीर से आगे 2-3 घंटे का सफर है, फिर वो आगे हम चित्राल पहुँचेंगे, अभी सिर्फ हम लोगों ने जाना है धीर की तरफ। यार आप लोगों को एक मज़े की बात बताता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ मेरे साथ वाले भैया ना यही उर्दू बोल रहे हैं, और बाकी जितने भी हैं ना, कोई पश्तो बोल रहा है, कोई चित्राली बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, अलग अलग जुबानें सब।
अच्छा जी, नमाज का स्टे हुआ था और मैंने इस सीटों से तैमम करके ना यहीं पर नमाज पढ़ ली है, तो ज़रूरी नहीं है कि अब पानी ना हो वजू करने के लिए तो नमाज नहीं पढ़ सकते, ऐसी मिट्टी से भी तैमम करके नमाज पढ़ सकते हैं। अभी हम इस्लामाबाद से तकरीबन 1.5 घंटा चुके हैं और सफ़र ख़त्म ही नहीं हो रहा, हालांकि 2-2.5 घंटे हो गए बस में बैठे हुए, सफ़र नहीं ख़त्म हो रहा, आगे मजीद तकरीबन 7 या 8 घंटे का सफ़र है, पता नहीं वो कैसे मुकम्मल हो रहा है। सफ़र ये बीच में स्टे हुआ है इस बस का वॉशरूम के लिए, मैं वॉशरूम कर रहा हूँ, साथ सुल्तान भी कर रहे हैं और बस में 2-3 बंदे ही हैं, ज्यादा बंदे नहीं हैं, बाकी सारे वॉशरूम वगैरह गए हैं और खान साहब बहुत ही मुस्कुरा रहे हैं। खान साहब क्या हुआ है, क्या हुआ है, मुस्कुरा क्यों रहे हो? वीडियो बना रहे हैं यार। खान साहब मैं व्लॉगर हैं, लाहौरी व्लॉगर हैं हम। ओह माशाल्लाह, क्या नाम है भाई का? रहीम। बहुत प्यारा नाम है माशाल्लाह, बहुत प्यारा नाम है। अच्छा तो फिलहाल सारे अब्बा जी वगैरह भी गए हैं, अभी उन लोगों ने चाय भी पीनी है, करीबन आधे घंटे का स्टे है ये और हमें इस चीज़ का। हाँ चाय पीने गए? हाँ चाय पी रहे थे वो, अब्बा कह रहे चाय पीनी है, इस तरह गए हैं वो बाहर, हम अब भी चाय पीते हैं, वो सामने शायद जगह है वहाँ पर चाय पीने गए हैं। उतनी देर हमारे पास मौका ये है कि हम आधे पौने घंटे के लिए पीछे लेट सकते हैं, वो भाई के साथ वो पीछे जगह बनी हुई है, आप थोड़ी देर लेट कमर सीधी कर सकते हैं, क्योंकि जो सा आगे का सफ़र है वो कितने घंटे का रह गया होगा, 5 घंटे का रह गया। हाँ आप अच्छा सोए हुए थे, वो भाई ये वाले भाई सोए हुए थे, कुछ भी नहीं पता कि इन्होंने 1 घंटा सफ़र किया है 2 घंटे सफ़र किए हैं, लेकिन शुक्र है इनको नींद आ गई है। मैं जैसे टांग ऊपर करता था तो कभी कुछ होता था, साथ वाला एक मेरा बंदा तो ही रहा, साथ एक बंदा था मेरे, वो ना पंजाबी बंदा था, उसने वो भी आ रही गंदी थी ना ऐसे, और मेरा यार भी बन गया, मैं कुछ कर भी नहीं सकता, बस हूँ भी रहूँ साथ, सफर भी नहीं पा रहा हूँ। यार आपको कैसे वो बंदे मिले हैं, खुशबू वाले मिले हैं? खुशबू वाले इसके आसरे में तो गुजारा। ओ यार क्या बात है यार, ग्रेट बंदे हो यार आप तो। बाकी चलो थोड़ा कमर सीधी कर लेते हैं, फिर घर वाले आते हैं, फिर वहाँ से निकलते हैं। क्या बाकी सारे खुद चाय पीने गए हैं और हमारा ये सामान है, ये सामान है पीछे, ये पड़ा हुआ है, एक हमारा बैग है और बाकी सारे बैग ही हैं, मुझे हिफाजत पे रखे खुद चाय पीने के लिए सारे। अरे देखो अभी एक और हमारे साथ बस आई है, उस बस के अंदर सारे हाजी हैं, सारे हाजी बाबे हैं, बिल्कुल सारे ऐसे लग रहे हैं ऐसे सऊदीया से सब आए हैं। बीबी जी अभी 12 से बस से बस में सारे वापस आना शुरू हुए, शुरू और चाय वगैरह सारे करके आधे घंटे का स्टे था, अब दोबारा से बस चलने लगी है और हमने कुछ देर तक हमने पहुंचना है देर, करीबन 4-5 घंटे में भी सफ़र बहुत लंबा है, तो इरादा हमारा यही है कि अभी हम सो जाते हैं क्योंकि जगह नहीं जाना, क्योंकि सुबह फर्स्ट टाइम क्यों उठी है यार। बस चल पड़ी है और अब बस मैं सोने लगूँ तो उठ के आप लोगों को मिलता हूँ। Thank you.
अच्छा जी हम लोग पहुंच गए हैं धीर, अभी अभी पहुंचे ही हो यार, नजारा चेक करो कसम से, इतनी हैप्पी हैप्पी सुबह ना, वो आप लोगों ने कभी ऐड देखा होगा हैप्पी सुबह फुल, इस वक्त लाले शाले खड़े हुए हैं, पठान लोग खड़े हुए हैं, बापे शापे खड़े हुए हैं, ये शक्ल से लग रहा है कि यार पठान है, पठानों के एरिया में आए हैं। इधर खड़े हो जाओ बैगों के पास, क्या हो रहा है? बस एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये देखिए मैं दिखा दूँ, ये देखो धीरे से सारे स्टॉप से जो आगे लेके जाते हैं ना चित्राल वगैरह जहाँ पे भी लेके जाते हैं ये सारे वो बंदे हैं, वो देखो इन्हीं गाड़ियों में लेके जाते हैं। ठंडी हवा, मजा आ गया उस्ताद, लाहौर में तो इतनी गर्मी थी सुबह सुबह गर्मी पड़ना शुरू होती थी, लेकिन यहाँ पे मैं कहता हूँ क्या बात है यार, बहुत मजा आ रहा है। कनाडास के जंगलों से आया हुआ वो प्राचीन का मकान, वो देखो सामने ऐसा लग रहा है कोई चाइना से, जैसे वो होते नहीं चाइना में ऐसे वो शूशाएं वाली जो फिल्में बनाते हैं उसमें ऐसे घर बने होते हैं। देखो ब्लॉगर नंबर 1, ब्लॉगर नंबर 2, ब्लॉगर नंबर 3 और बेस्ट ब्लॉगर का अवार्ड इंशाल्लाह मुझे मिलेगा अगले साल। ठीक है यार, फिलहाल अभी यहाँ पे करते हैं ब्लॉग को एंड, वो इसलिए क्योंकि मेरा मोबाइल में खुदा पा की कसम 1% बैटरी रह गई है, और मैं फिलहाल अभी हम यहाँ से जाएंगे चित्राल अयून मतलब जाएंगे, वहाँ पे जाके चार्जिंग करेंगे फिर एडिटिंग करेंगे। तो आप लोग लाजमी सब्सक्राइब कर लो चैनल को, इसलिए क्योंकि आने वाले उनसे ब्लॉग्स हैं वो बड़े हैवी किस्म के होने लगे हैं, आपको पता है इस एरिया में अगर मैं यहाँ पे ऐसा ऐसा कंटेंट लेके आऊँगा कि आप लोगों की आंखें ठंडी हो जाएंगी। तो यहाँ मैं करता हूँ ब्लॉग को एंड, बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।